सिफू के सामने लगातार 17 दिन हैं आज, और हाल फिलहाल जो पैरामेडिकल्स की 8 कैडर की भर्ती हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार द्वारा आज 17 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है, ना कोई उनकी पहल की गई है जिससे कि इनको संतुष्टि मिले और धरना खत्म हो चुके। हाल फिलहाल मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे जो अभ्यर्थी लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लगातार कर्मी का संघर्ष है वो लगातार जारी है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ बैठे हैं और अपनी जो 8 कैडर्स की भर्ती है उसकी मांग को लेकर, नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। हाल फिलहाल हम खड़े राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के सामने, यानी सिफू के सामने खड़े हैं, जहाँ पर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए तमाम जो अभ्यर्थी हैं इस कड़ाके ठंड में यहाँ पे अपनी मांग को बुलंद करने के लिए बैठे हैं। मेरे साथ एक अभ्यर्थी मौजूद है, सर क्या नाम है, कहाँ से पहुँचे हैं? मैं दीपक कुमार चंगणी, फार्मा कैडर से हूँ और बीकानेर से आया हुआ हूँ। सर हमारी ये भर्तियाँ 2022 में निकली थी और पिछली सरकार ने इसको पूरी नहीं की। हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार हमारी इस भर्ती को पूरा करे, मगर आज हमारे को धरना प्रदर्शन करते हुए पूरे 17 दिन हो गए, मगर सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। और 9 दिन से हम लोग हमारे यहाँ साथी कर्मी कंसर्न कर रहे हैं, मगर सरकार का अभी तक किसी प्रकार से हमारे से पॉजिटिव बात करने का कोई नौता नहीं आया। और कल से हम आमरण अनशन पर भी बैठे हैं, मगर सरकार की तरफ से हमारे तरफ से किसी प्रकार की कोई नौता नहीं आया, किसी प्रकार की वार्ता नहीं आई। अगर सरकार अभी तक भी नहीं मानी तो हम इससे भी और ज़्यादा बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। कल भी हमारी 2 बहनें, एक कल्पना और एक वर्षा, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसको हम SMS हॉस्पिटल लेकर गए थे और उनका इलाज करवाया गया, और आज भी उनकी तबीयत एकदम सही नहीं है। सरकार महिलाओं, इतनी तादाद में महिला होते हुए भी सरकार किसी प्रकार की हम लोगों के साथ सकारात्मक वार्ता नहीं कर रही है, और जब तक सरकार ये सकारात्मक वार्ता नहीं करेगी हमारा इसी प्रकार से आमरण अनशन और कर्मी कंसन चलता रहेगा। धन्यवाद। देखिए आमरण अनशन की बात कह दी इन्होंने कल, यानी कि आने वाला कल जो है वो आमरण अनशन में तब्दील हो जाएगा। कर्मी कंसन जो चल रहा है लगातार जो है वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक अभ्यर्थी हैं जो बीमार हुई हैं और उनके हाथ में बगैर कैनुला लगा हुआ है, देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ यहाँ पे साफ साफ आपको। मैडम क्या नाम आपका? मेरा नाम वर्षा है। ऐसा कल भी बीमार हुए थे, पहले भी आप बीमार हो चुके हो, लगातार धरने प्रदर्शन भी आप बीमार हो रहे हो, दवाइयाँ लग नहीं रही, मेडिकल सुविधाएं टूटा है। सर कल हमारी एक फ्रेंड है जिसका कल्पना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सर हम यहाँ पे जब 18 तारीख से यहाँ पे बिना किसी सुख सुविधा की यहाँ पे रह रहे हैं, टेंट में रह रहे, एक टाइम खाना खाते, सर घर में रहते हैं, जिनों की भी तबीयत खराब हो जाती है, फिर हमारी तबीयत खराब होना तो नॉर्मल सी बात है। पर सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी बीमार हो, आज एक लड़की गिर रही है, कल 2 गिर रही है, कल को 5 गिरेगी, पर सरकार का कोई चीटी कान में चीटी तक नहीं रेंग रही। मेडिकल सुविधाओं की बात करें यहाँ पे टोटा है, फिर भी आप धरने भी बीमार भी हो रही हैं, फिर भी आपने अपने आप को शरीर को जो कष्ट दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन जारी है लगातार, क्या कहेंगी जो मेडिकल सुविधाओं को नहीं है, जो मेडिकल सुविधाएं हमें मिल ही नहीं रही, क्योंकि हम वहाँ पे SMS में भी जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें बहुत देर तक देखा भी नहीं जाता, ये माना जाता है धरने वाले से आए हुए हैं देख लेंगे, बहुत देर आधे एक घंटे तक तो हमें ड्रिप वगैरह कुछ नहीं लगाई जाती। देखिए ये अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी हैं जो लगातार दूसरी बार बीमार पड़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई संदेश नहीं आया, ना ही कोई पहल की गई है। साफ साफ कहना ये भी है इनका अभ्यर्थियों का कि अगर हमारी कोई महिला या पुरुष भर्ती यहाँ पे अभ्यर्थी जो है बीमार होते हैं, उनको अगर SMS ले जाया जाता है तो वहाँ पे भी उनकी सुनवाई नहीं होती, देखरेख नहीं होती, उनको धरने के नाम से एक अलग टैग दे दिया गया है और उनकी जो बेकदरी है वहाँ पे देखने को मिलती है। कि अंजलि मीणा हमारे साथ मौजूद है, मैडम अंजलि देखिए लगातार 17 दिन आज है, आप तमाम कोशिशें कर चुके हैं, बावजूद सरकार है वो अपनी मंशा पर अडिग है, क्या कहेंगी आप? सरकार अपनी मंशा पे अड़ी है, अभी तक हमारी प्रोविजन लिस्ट नहीं निकाली है, ना अभी नियुक्ति सूची जारी की है, सरकार बिल्कुल अचेत है, चेत नहीं कर रही है, फिर भी यहाँ पे हम ये बैठे हैं। अब कर्मी कमीशन पर भी बैठने हैं, हमारे जो सर है दीपक छंगाणी जी वो भी कल से अब कर्मी कमीशन पर बैठ गए हैं, और अब हमने यही ठान लिया है कि जब तक सरकार नहीं देगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। भाई यही है हमारा, मेरी सरकार से काफ़ी अधिकारियों से बस यही गुहार है, नर्म निवेदन है कि हमारी प्रोविजन लिस्ट निकाल के वो हमें नियुक्ति जारी जो है वो प्रोवाइड करें बस। मैं बताऊं आपको एक सवाल मेरा ये है कि आप लगातार अंजलि आपके जो अभ्यर्थी हैं वो महिला अभ्यर्थी स्पेशल बीमार पड़ रहे हैं, सुविधाएं हैं, मेडिकल टोटा है इनका, SMS जाते हैं इलाज के लिए, वहाँ पे भी आपकी बेकदरी होती है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमारी जो साथी महिला है वो बीमार पड़ रही है, बिल्कुल उन्हें काफ़ी असुविधा भी हो रही है इस चीज़ को लेकर, सरकार बिल्कुल नहीं चेत कर रही है। बस मैं यही कहूँगी कि सरकार जो BJP सरकार है वो कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब भाषण देती है, पर वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ भाषण ही था,
क्योंकि सरकार बिल्कुल महिलाओं की बिल्कुल सुत नहीं ले रही है, क्योंकि यहाँ बीमार पड़ रही है महिलाएं, यहाँ बिल्कुल ठंड कड़ाके की ठंड है, उसमें SMS भर्ती किया उन दोनों महिलाओं को। तो सरकार से बस यही है कि वो सरकार हमारी महिलाओं के लिए जो इतना भाषण देती है वो बिल्कुल हमें सिद्ध करके दे, महिलाओं के लिए जो है वो सुविधाएं प्रदान करे और हमें नियुक्ति दे। अंजलि यह हमारे साथ अभ्यर्थी थी, उन्होंने साफ कहा है कि लगातार जो महिलाओं के सुरक्षा को लेकर भाषण दिए जाते हैं, सरकार जो दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं फैल होते नजर आ रहे हैं। एक अभ्यर्थी, क्या नाम आपका? मेरा नाम विनीत कुमार मिश्रा है, मैं सवाई माधोपुर से हूँ, किरोड़ी लाल जी के विधानसभा क्षेत्र से। मैं किरोड़ी लाल जी जो कि कैबिनेट मंत्री है उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 17 दिन से हम भूखे प्यासे सीपू झालाना में पड़े हुए हैं, और मैं किरोड़ी लाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने कोरोना में भी काम किया है, जिस समय भाई भाई का सगे नहीं था उस समय हमने अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर जनता की सेवा की है। नर्सिंग ऑफिसर हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है, मैं चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री जी जो संवेदनशील हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी फाइनल लिस्ट निकाल कर और हमें नियुक्ति देने की कृपा करें, क्योंकि जो बाबा है वो बाबा हरे के सहारे हैं और बाबा ज़रूर हमारी पार लगाएंगे और हमें पोस्टिंग ज़रूर दिलाएंगे, क्योंकि हम वह कोरोना योद्धा है। मैं खुद 2 बार क्वारंटाइन हो चुका था, मैं 2 बार कोरोना पॉजिटिव हो चुका था, फिर भी मैंने ना जो अपने जीवन में ठान ली कि मुझे लोगों की सेवा करनी है और घर घर गांव गांव ढाणी जाकर उनके लोगों की जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे उनको घर घर गांव गांव जाकर मैं उनको दवाइयां देता था। मैं PSC लसोड़ा पर काम करता था, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा हक है और हम लेकर रहेंगे, इसलिए हमारा कैलेंडर जारी करके और हमें लोकसभा चुनाव से पहले हमें पोस्टिंग दी जाए। हमने भाजपा सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ हम राजस्थान में लेकर आए और हमें लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टिंग मिलती है तो हम पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से एवं लोकसभा चुनाव में हम भाजपा को जिताकर भेजेंगे। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, इसने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है, उनको खाटू श्याम की यहाँ पे पदवी दी है या संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि जब जैसे बाबा श्याम जो है हरे का सहारा होता उसी प्रकार किरोड़ीलाल मीणा है वो भी हमारा सहारा बनेगा। एक महिला व्यक्ति भी मौजूद है, मैडम 17 दिन है आज, क्या कहेंगी? आपकी मंशा जो है सरकार की मंशा वो आपके पक्ष में नहीं है? पक्ष में नहीं है, हमारी 2 बहनें कल भी बीमार हो गई थी, उसको उसकी तबीयत इतनी गंभीर हुई तो एक सरकार के अभी तक को सुनवा नहीं। मैं कोरोना के अंदर मेरे पापा को खोया है, मेरे पापा के खोने के बाद मेरे एक दिन बाद मेरे पति को खोया है। अब कौन हमारा सहारा बन रहा है, कौन हमारे उठाए गए खर्चे, अब क्या करेंगे? सरकार को हमें नौकरी देनी चाहिए। देखिए कोरोना योद्धाओं को यहाँ पे बात की है कि जब कोरोना आए थे तो फूल बरसाए गए थे, लेकिन हाल फिलहाल जो है सरकार उनको नौसेना का काम कर रही है। एक महिला व्यक्ति मौजूद है जो अपने नन्हे मुने बच्चे को यहाँ पे लेके आई है, साथ लेके आई, शायद कोशिश की जा रही है कि नन्हे मुने बच्चों को देखकर सरकार कहीं ना कहीं कहते हैं। क्या नाम है मैडम, कहाँ से पहुँचे? प्रियंका तिवारी, भरतपुर से। देखिए प्रियंका, आज 17 दिन है, सबसे बड़ी बात यह कि महिला है और महिला के साथ आपका बच्चा भी साथ मौजूद धरने पर है, धरना आपको नहीं देना है कि बच्चे को देना है? नौकरी ही चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए, नियुक्ति चाहिए सरकार से, क्योंकि बहुत मेहनत की है और उस समय जब कोरोना काल में हम काम कर रहे थे तो मेरी उस समय प्रेगनेंसी भी थी, तब भी मैं घर घर जाके दवाइयाँ दे रही थी, उस समय मेरी प्रेगनेंसी थी फिर भी मैं दवाइयाँ देने जा रही थी, और फिर नौकरी तो चाहिए ही चाहिए सरकार से हमको। देखिए बच्चे को साथ लिया है आपने, ठंड ज़्यादा है यहाँ पे, आपकी जो महिला यहाँ पर थी वो बीमार पड़ रही है लगातार, सुविधाओं के नाम पे टोटा है यहाँ पे, फिर भी आप बच्चे को साथ लेके आई हैं, क्या करें? बच्चे को तो लाना मजबूरी है क्योंकि हमको सरकार से नौकरी चाहिए, क्योंकि 2-2 लड़कियां हैं, कम से कम उनके पालन पोषण के लिए नौकरी तो चाहिए ही चाहिए, एक की तो लगनी चाहिए कम से कम। देखिए महिला हैं जो अपने बच्चे को यहाँ पे साथ लेके आई है, साफ साफ कहना कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी हमको हम यहाँ से नहीं हटने वाले, चाहे जान देने पड़े। एक अभ्यर्थी और मौजूद है, क्या नाम आपका? मेरा विनोद महर्षिर, चूरू से हूँ मैं फार्मासिस्ट कैडर से हूँ। 12 साल से हम लोग की फार्मासिस्ट कैडर की अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है, पिछली 5 सरकार कांग्रेस सरकार में 5 साल में इंतजार और आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला, खाली कांग्रेस सरकार में एग्ज़ाम की डेट दी गई, उसके बाद निरस्त की 5 बार ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलता रहा, इसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं मिला। अभी 17 दिन से हम लोग यहाँ में बैठे हैं, भूखे हैं, एक टाइम से खाना हम खा खा के चला रहे हैं, इस सर्दी के विपरीत मौसम में भी एक टाइम खाना खा के हम लोग की मन से आशाएं निराशा में बदल रही हैं, और सरकार से हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, जिसके कारण हम और ज़्यादा निराशावान्वित हो रखे हैं।
आशा से निराशा में जा रहे हैं लगातार, और आंदोलन को चेतावनी दे दी है आंदोलन को उग्र करने की। एक अभ्यर्थी और मौजूद है जो तमाम जो धरना है वहाँ पे, यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग काम आ रही है। क्या नाम आपका? मेरा विश्वजीत है, स्टेट कोऑर्डिनेटर फार्मेसिस्ट। मैं आज हमारी टीमें ऑटो कैडर्स की बैठी हुई है, लगातार हमारी एक ही मुख्य मांग है भाई हमारी नियुक्ति और प्रोविजनल लिस्ट जारी करो फार्मा की, तभी हम उठेंगे। और हमारा मेन मकसद है भाई, हमने संविदा कर्मचारी के रूप में सरकार को महत्वाकांक्षी और राजस्थान को टॉप लेवल पे पकड़ा है, तो हमारा सरकार से और अधिकारियों से गुजारिश है कि हमारी जल्दी से जल्दी नियुक्ति करवाएं, और हमें इस जो 17 दिन से हमारा अनशन कार्मिक अनशन का प्रोग्राम चल रहा है इसको ख़त्म करवाएं। और हमने 254.60 रुपये के अंदर एक दिन की सैलरी पे अल्प वेतन में काम किया है और सरकार को शीर्ष नेतृत्व पे पहुँचाया है स्वास्थ्य सेवाओं को। तो मेरा सरकार से विशेष अनुरोध है कि आप हमें नियुक्ति दें और जल्दी ही हमें ज्वाइनिंग दे। साथ में हमारी कई बहनें हैं जिनकी लगातार तबीयतें ख़राब होती जा रही है, लगातार कल भी 2 बार एम्बुलेंस आई, आपके साथी मौजूद थे। और तो मेरा सरकार से ये भी अनुरोध है कि एक एम्बुलेंस वो यहाँ तुरंत तैनात करें ताकि हमें मेडिकल असुविधाएं ना हो। विश्वजीत हैं, साफ कहा है उन्होंने कि सरकार जो तमाम जो सुविधाएं हैं, बात करें मेडिकल की, बात करें रहने खाने की, व्यवस्था करें, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि जो महिला अभ्यर्थियाँ बीमार हो रही हैं और उनको इनको इन्होंने अपने लेवल पर अगर SMS पहुँचाया है, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, वहाँ पर भी उनको बेकदरी का सामना करना पड़ता है। चिकित्सक जो है वो यहाँ पे बेगदरी करते हैं, उनकी जो धरने का ठप्पा है वो नहीं, वो टैग देकर इनको जो साल संभाल वो नहीं की जाती। ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है, अभी तो लगातार मांग कर रहे हैं कि आर कैटेगरी जो भर्तियाँ थी उनकी नियुक्तियाँ जल्द से जल्द जारी करें, तब तक ये धरना जारी रहेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, नगरी मीडिया, जयपुर।